हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है 5 स्पून्स ऑफ साल्ट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। गीता वॉज अ फॉरगेटफुल गर्ल। शी वुड सेट आउट टू बाय अ मेडिसिन फॉर हिज हेडेक बट स्टॉप टू टॉक टू हर फ्रेंड ऑन द वे। ओनली व्हेन द स्काई ग्रू डार्क इट वॉज टाइम टू टर्न होम वुड शी रिमेम्बर अजा मेडिसिन। बाय दैट टाइम द शॉप वुड बी क्लोज्ड। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है गीता। वो हर चीज भूल जाती है, जैसे कि उसके अज्जा अज्जा होते हैं ग्रैंडफादर के लिए मेडिसिन लेने जानी है, तो जाते जाते वो रास्ते में अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए रुक जाती है। जब अंधेरा हो जाता है और घर वापस जाने का समय होता है तो उसको याद आता है कि उसको मेडिसिन लेके आनी थी, लेकिन तब तक मेडिसिन की जो शॉप है वो बंद हो जाती है। इफ अम्मा आस्क्ड हर टू कलेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग लाइन शी वुड रिमेम्बर टू डू इट ओनली नेक्स्ट डे बट दे वुड बी बैक अगेन बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट ट्रेन। अगर उसकी मदर उसको कपड़े इकट्ठे करने के लिए कहती है तो ये काम भी उसको नेक्स्ट डे याद आता है कि उसको कपड़े भी इकट्ठे करने थे, लेकिन तब तक रात भर की बारिश से वो कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं। वंस व्हेन अप्पा वॉज इन अ हरी एंड आस्क्ड हर टू आयरन हिज शर्ट शी फॉरगेट अबाउट इट एंड वेंट टू सी द फूड सेलर टू पिक आउट सम जूसी मैंगो। एक बार उसके फादर को जल्दी थी कहीं जाने की, तो उन्होंने उसको शर्ट प्रेस करने के लिए कहा, लेकिन वो तो इसके बारे में भूल गई और वो फ्रूट सेलर से बाहर जो फल बेचने वाला था उससे रसीले आम लेने चली गई। इस तरह से वो हर काम भूल जाती है, जो भी उसको काम कहा जाता है वो भूल जाती है और बहुत ही लक्कड़ लड़की है। वन डे गीता केम होम फ्रॉम स्कूल एंड अनाउंस दैट हर क्लास वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। एक दिन गीता स्कूल से घर आती है और बताती है कि अगले दिन उसकी क्लास पिकनिक के लिए जा रही थी। द टीचर है आस्क्ड ई स्टूडेंट टू ब्रिंग वन फूड आइटम फ्रॉम होम और टीचर ने हर स्टूडेंट को खाने की एक एक आइटम घर से लाने के लिए कहा है। गीता हैड टू टेक सांबर, दिस वुड बी शेयर्ड एट लंच बाय एवरीवन। गीता को सांबर लाने के लिए कहा गया है। सांबर एक साउथ इंडियन डिश है, उसको सांबर लाने के लिए कहा गया है और इस डिश को सभी बांट कर खाएंगे। अम्मा एग्रीड टू मेक ए बिग पॉट ऑफ हर टेस्टी सांबर फॉर गीता टू टेक ऑन द पिकनिक। उसकी मदर पिकनिक के लिए सांबर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अम्मा वॉक अप अर्ली टू मेक द सांबर। दूसरी सुबह जिस दिन उन्होंने पिकनिक पे जाना था, अम्मा सुबह जल्दी उठती है सांबर बनाने के लिए। शी कुक्ड द दाल एडेड द वेजिटेबल्स कोकोनट एंड स्पाइसेस एंड लेफ्ट द पॉट ऑन द स्टोव टू बॉइल। तो वो मदर उठ के सांभर की पूरी तैयारी कर देती है, दाल कुक करती है, वेजिटेबल ऐड कर देती है, कोकोनट स्पाइसेस जितना भी मींस उसमें चीजें डलती हैं वो डाल के उसको स्टोव पे बॉयल होने के लिए रख देती है, उबलने के लिए रख देती है। देन शी कॉल्ड टू गीता, गीता आई एम गोइंग टू द टेम्पल आफ्टर सम टाइम, एड 5 टीस्पून ऑफ साल्ट टू द सांभर, डोंट फॉरगेट, वेक अप नाउ एंड गेट रेडी क्विकली। तो वो गीता को कहती है कि मैं मंदिर जाके आ रही हूँ, तुम ऐसा करना सांबर में 5 चम्मच साल्ट के डाल देना। वो उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको भूलना मत, अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। अजी हु वाज इन द नेक्स्ट रूम थॉट दैट गर्ल विल नेवर रिमेम्बर टू पुट इन द साल्ट, सो शी वेंट इनटू द किचन एंड एडेड 5 स्पून्स ऑफ साल्ट टू द पॉट। अजी होता है ग्रैंड मदर, जो नेक्स्ट रूम में बैठी हुई है, वो सोचती है कि इस लड़की को तो कभी भी नमक डालना याद नहीं रहेगा, इसलिए वो खुद उठ के किचन में जाती हैं और सांबर के पॉट में 5 स्पून जो साल्ट है वो डाल देती हैं। अज्जा हु वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द बरांडा थॉट द डे वेन गीता फॉरगॉट हिज मेडिसिन, सो ही वेंट इन टू द किचन एंड एडेड 5 स्पून ऑफ साल्ट टू द सांबर हिमसेल्फ। अब उसके ग्रैंडफादर हैं जो बरामदा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो भी सोचते हैं कि उस दिन वो मेडिसिन लाना भूल गई थी और आज नमक भूल जाएगी, तो वो भी किचन में जाते हैं और सांबर में 5 चम्मच नमक डाल देते हैं। गीता सिस्टर माला हु वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल हैड हर्ड अमाज इंस्ट्रक्शन। अब गीता की एक सिस्टर है माला, वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और उसने भी अपनी मदर के जो इंस्ट्रक्शन गीता को दिए गए थे वो सुन लिए। शी हरीड इनटू द किचन एंड एडेड 5 स्पून ऑफ साल्ट टू द सांबर। अब उसको भी यही लगा कि गीता भूल जाएगी, तो वो जल्दी से किचन में जाती है और उसमें 5 स्पून ऑफ साल्ट ऐड कर देती है। अप्पा वॉज केयरफुली आयरनिंग हिज शर्ट इन द फ्रंट रूम, ही टू वेंट इनटू द किचन एडेड साल्ट टू द सांबर। अब उसके फादर जो आगे वाले रूम में आयरन कर रहे थे वो भी किचन में जाते हैं और सांबर में नमक ऐड कर देते हैं। इस तरह सभी बारी बारी नमक ऐड करते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि गीता भूल जाएगी।
बाय नाउ गीता वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल. अब गीता स्कूल जाने को तैयार थी. शी रिमेम्बर दैट शी हैड टू एड 5 स्पून्स ऑफ साल्ट टू द सांबर. अम्मा रिटर्न्ड फ्रॉम द टेम्पल एंड सा गीता इन द किचन. शी क्विकली पोर्ड द सांबर इन टू अ बिग कंटेनर एंड सेंड गीता ऑफ फॉर द पिकनिक. अब गीता भी स्कूल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको जल्दी याद आता है कि सांबर में 5 चम्मच नमक डालना था, तो वो किचन में चली जाती है. जब अम्मा टेम्पल से वापस आती है तो वो देखती है कि गीता किचन में है. वो क्या करती है, जाके जल्दी से सांबर को एक बड़े से कंटेनर में डाल देती है और गीता को पिकनिक पे भेज देती है. दैट आफ्टरनून द चिल्ड्रन सेट डाउन टू ईट हंगरी. और वो जब बच्चे पिकनिक पे चले जाते हैं तो दोपहर में बच्चों को भूख लगती है, वो खाने के लिए बैठ जाते हैं. एज सून एज द फर्स्ट पर्सन टेस्टेड द सांबर ही शाउटेड वाटर. जैसे ही कोई सांबर को टेस्ट करके देखते हैं वो पानी के लिए चिल्लाने लगता है. गीता सा अदर पीपल पुश अवे द सांबर. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. देन शी टेस्टेड द सांबर हर सेल्फ. इट वॉज एज इफ ऑल द साल्ट इन द सी हैड बीन पोर्ड इन टू द सांबर. अब गीता को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया. फिर वो खुद सांबर को टेस्ट करके देखती है. तब उसको महसूस होता है कि समुद्र में जितना नमक है ऐसा लगता है कि सांबर में वो सारा डाल दिया गया है. गीता रेन होम दैट इवनिंग एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. डिड एनीवन एल्स ऐड साल्ट टू द सांबर, शी आस्क्ड. तो उस शाम को गीता घर में जाती है और रोने लगती है. वो पूछती है कि किसी और ने भी नमक ऐड किया था. आई डिड, सेड अज्जी. उसकी ग्रैंड माँ बोलती है हाँ मैंने किया था. आई डिड टू, सेड अप्पा इन सरप्राइज. उसके फादर हैरान होकर कहते हैं कि मैंने भी किया था. सो डिड आई, सेड अज्जा. उसके ग्रैंड फादर कहते हैं मैंने भी किया था. मी टू, सेड माला. माला कहती है मैंने भी ऐड किया. व्हाई डिड यू ऑल डू इट, अम्मा टोल्ड ओनली मी, क्राइड गीता. एवरी वन फेल्ट बैड फॉर हर. अब गीता रो रही है, वो कहती है कि सभी ने क्यों ऐड किया, अम्मा ने सिर्फ मुझे कहा था. अम्मा वाइप्ड अवे हर टीयर्स. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल डूइंग वर्क. गीता नोटेड. देखो अब अम्मा उसके आंसू पहुंचती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें समझ आया कि जिम्मेवार होना कितना जरूरी है. और गीता हाँ में सिर हिलाती है. शी चेंज्ड आफ्टर दैट एंड सून आफ्टरवर्ड हर फ्रेंड्स केम होम फॉर लंच वन डे एंड agreed that अम्मा सांबर वाज द टेस्टीएस्ट दे हैड ever eaten. अब इस इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है और जल्दी ही उसके फ्रेंड लंच के लिए उनके घर पे आते हैं और वो सभी इस बात से सहमत है कि उसकी अम्मा का बनाया हुआ सांबर बहुत ज्यादा टेस्टी है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ चुकी होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.